भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार बहुत संवेदनशील है। जब से जोशीमठ में यह आपदा आई है, तब से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की और स्थिति का मौके पर जाकर जायजा भी लिया। सीएम धामी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके दोबारा जोशीमठ पहुंचे, वहां पर भी स्थिति का जायजा लिया और वहां पर प्रभावितों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन्होंने देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मीडिया प्रभारी ने बताया है कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को बाजार दर पर मुआवजा भी राज्य सरकार देगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। बहुत संवेदनशील सरकार है और निरंतर जब से जोशीमठ में ये आपदा की सूचना मिली थी, तब से लगातार बहुत ही गंभीरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को स्वयं वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पीड़ित लोग हैं उनकी बातों को उनके अनुसार ही उन्होंने कहा कि हम बाजार दर पर मुआवजा देंगे।